ओके गाइस, KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन। इस वक्त मैं हूं आपके साथ में आरजे शिवाय, और हमारे साथ में हमारी आज की कोविड टॉक एक्सपर्ट अमिता मैम जुड़ी हुई हैं। अमिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम KGMU गूंज पर। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कैसी हैं? पूरा लखनऊ इस वक्त आपको सुन रहा है मैम। हाँ, थैंक यू सो मच, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैम, कोविड का बहुत ही कठिन दौर चल रहा है इस वक्त, और कोविड को लेकर के अलग अलग तरह की अवेयरनेस हम लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास हर दिन करते रहते हैं। हम वो माध्यम है जिससे लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, और मैम मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से कोविड के लिए लोगों को आज जागरूक करें। वैसे तो मैं जिस चीज़ पर बात करने वाला हूँ वो ये है आज की पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं इस कोविड के दौरान, बच्चों से किस तरीके के टॉक्स वो कर सकते हैं, छोटे बच्चों को किस तरीके की जानकारी दे सकते हैं, जो थोड़े एज में बड़े हैं उनके साथ में किस तरीके से कोविड को लेकर के डिटेल टॉक कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ में जो पेरेंट्स का सपोर्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए आजकल के माहौल में, इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से प्लीज़ हमारे लखनऊ की जनता के लिए और हमारे लखनऊ की आवाम के लिए कुछ कहें इस विषय पर। देखिए, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैं बेसिकली लैबोरेटरीज में काम करती हूँ, तो मेरे लिए लैबोरेटरी पे जानकारी देना ज़्यादा उचित होगा जी। लेकिन ये जनरल जो जानकारी है कि बच्चों को क्या बताएं और छोटे बच्चों को क्या बताएं, बड़े बच्चों को क्या बताएं, ये एक कॉमन नॉलेज की बात है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनके घर में छोटे बच्चे हैं जी। जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं जी। उनके लिए जानकारी ये जरूरी है उनको, कि अगर वैसे ही बच्चे कम जाते हैं बाहर खेलने, और आजकल तो और ज्यादा कम हो गया है उनका बाहर जाना, क्योंकि ज्यादा पेरेंट्स भी उनको जाने नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों को ये बताना कि अगर वो बाहर जाएं तो सबके साथ मिलजुल के खेलें, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जो कहने में आसान है लेकिन बच्चे खेल में तो समझेंगे नहीं कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। लेकिन फिर भी उनको छोटे छोटे उससे एनेक्डोट से समझा सकते हैं कि भाई कोई बच्चा खड़ा है तो ऐसे करो, अगर बच्चे को किसी साथ में खेलने वाले बच्चे को खांसी जुकाम बुखार नजला कुछ है तो साथ में उसको उसके साथ उसको घर वापस भिजवाओ, उसके साथ मत खेलो, उनसे दूरी बना के रखो, इस तरह की छोटी बातें समझाई जा सकती हैं, लेकिन बच्चे कितना मानेंगे ये एक्चुअली एक बड़ा मुश्किल सवाल है। yes, तो ये मोर ऑफ अ पेरेंटल एजुकेशन की बात है कि पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अगर बच्चा बीमार है तो वो खेल के मैदान में बाकी बच्चों के साथ खेलने ना जाए। दूसरी बात है मास्किंग की, मास्क बच्चे लगाते हैं घर में, उनको बताना कि मास्क लगा के रखो, कितनी देर लगा के रखो, खेल के दौरान बच्चे मास्क लगाए रखेंगे ये बड़ा मुश्किल है जी। तो लेकिन फिर भी उनको मास्क लगाना सिखाना होगा, क्योंकि आगे भी शायद पता नहीं कब तक ये जरूरत बनी रहेगी और कब तक हमें ये काम करना होगा मास्क लगाने का। Yes, ma'am. तीसरी चीज जो है कि बच्चे आपस में खेलते हैं तो खाते भी हैं साथ में, पानी भी पीते हैं, तो उनको थोड़े थोड़े कम देर के लिए भेजें और बच्चों को बताएं कि अगर प्यास लगी है तो घर में आके पानी पीना है, सो दैट वो वहां पर अपना मास्क ना उतारें। ये जी. सब कहने में बहुत आसान लग रहा है पर शायद मुश्किल होगा, और बच्चे इसको छोटे बच्चे कितना फॉलो करेंगे ये मुश्किल है। लेकिन 5 साल के बड़े बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो डिसिप्लिन को समझने लगे हैं, जो कहने को समझते हैं, उनको ये बात सिखाई जा सकती है कि आप इतने इतने इंटरवल पे अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप घर आएंगे, आप मास्क लगा के रखेंगे, आप बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, और अगर कोई बच्चा जो खेलने आया हुआ है वो बीमार है या स्कूल में भी या अदरवाइज अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो भी उससे हम लोग डेफिनेटली दूरी बना के रखेंगे। तो बड़े बच्चे ये समझ सकते हैं लेकिन बहुत छोटे बच्चों को ये बात समझानी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी होगी। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ये उनकी बड़ी सीखने की क्षमता बच्चों में बहुत ज्यादा होती है ओल्डर लोगों के अलावा। yes, और उनका बड़ा ओपन माइंड होता है। yes, तो उनको जो बात इस स्टेज में हम समझा देंगे और सिखा देंगे उसको वो फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करते।
यस मैम। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको मोस्टली मैम ज़्यादातर बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कि कभी फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया, कभी बाहर से ज़्यादा उनको हफ्ते में 2 से 3 दिन तो बाहर खाना ही खाना होता है। डेली लाइफ में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम बाहर से खाते ही हैं, तो इस पीरियड में मैम बाहर का खाना कितना सही रहेगा बच्चों के लिए और कितना अवॉइड करना चाहिए, इस बारे में कुछ? जी बाहर का खाना वर्सेस कोविड अगर बात करते हैं जी, तो खाने से तो कोविड फैलता नहीं, तो खाना कोविड के लिहाज से सेफ है। लेकिन अगर हम होम डिलीवरी मंगा रहे हैं तो जो पर्सन खाना लेकर आ रहा है वो वायरस उससे ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि उससे आपकी एक्सपोजर बहुत कम देर की होती है जी। कि वो आपको डिलीवरी देता है और चला जाता है, तो उससे डिलीवरी देने के दौरान बच्चों की तो एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि डिलीवरी लेने और उसको पेमेंट करने का काम यूजुअली पेरेंट्स करते हैं, तो बच्चे इस लिहाज से सेफ होते हैं क्योंकि खाने से कोविड नहीं फैलता है। Exactly. हाँ लेकिन अगर वैसे बोलेंगे कि आप खाना बाहर का कितना अच्छा है तो हम सब जानते हैं कि वो हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है बच्चों के लिए क्योंकि उसमें आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, दैट्स एक्चुअली अ जंक कैलोरी। कैलोरी में बहुत ज्यादा होता है और न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम होता है। Yes, ma'am. तो ये जंक कैलोरीज जो है बच्चों के लिए क्या किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं है, तो अवॉइड करें इसको। लेकिन भाई कभी कभी तो स्वास्थ्य के लिए सभी खाते हैं, कभी कभी खाएं, लेकिन इट शुड नॉट बी अ रेगुलर थिंग। ओके सो मैम मैं अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया 15 टू 18 के बीच का, गवर्नमेंट ने अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये कर रहे हैं कि लगातार हम लोग वैक्सीनेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं और परसेंटेज जो इंडिया के अंदर है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो 15 टू 18 के एज का जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है उसके लिए आपके तरफ से मैम क्या मैसेज होगा लोगों के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया, और वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस को भी थोड़ा सा आप मैम प्लीज़ डिस्क्राइब करें। देखिए वैक्सीन जो पहले हम लोग लगा रहे थे सिर्फ ओल्डर पीपल के लिए लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास इस पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, हमको नहीं मालूम था कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चों में कोई भी परेशानी हो जाए तो उनकी थोड़ी सी बायोलॉजी डिफरेंट होती है, तो इसलिए उस पे डेटा नहीं था। अब इनफ डेटा है, सेफ वैक्सीन है और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हर बच्चे को मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, जाएं लगवाएं उनको वैक्सीन जी। ये बच्चे सेफ होंगे, कोविड से सेफ रहेंगे और इनफ स्ट्रॉन्ग डेटा है जो ये सजेस्ट कर रहा है कि बच्चों में वैक्सीन सेफ है। Yes, ma'am. नहीं लगवाने का कोई मतलब नहीं है। ओके सो फाइनली आपके इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे मैम। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक फाइनल मैसेज पूरे लखनऊ की आवाम के लिए, और आपको भी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि KGMU गूंज का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है जी, और जिसके थ्रू से जी एक्साइटेड हैं हम लोग इस रेडियो स्टेशन को लेके, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें गई है और वो रंग लाएगी जी। हम लोग को लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, इस सबके लिए KGMU की पूरी टीम को और सभी को बधाई देना चाहूंगी जी। एंड मुझे ये लगता है कि जो हम लोग ने जो ये KGMU का स्टेशन है इसको जो लोग भी सुन रहे हैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी। कोविड के लिहाज से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक तो वैक्सीन अगर नहीं लगाया है तो प्लीज लगा लें। Yes, बुजुर्ग लोगों के लिए 60 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, एक प्रिकॉशनरी डोज वो भी लगवा लें। Yes, जिन्होंने अभी तक अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं किया है वो करवा लें, और अगर आपके घर में 15 से 18 साल के बच्चे हैं तो उनको भी वैक्सीन जरूर लगाएं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। Yes, ma'am. और इस पे बहुत प्रयत्न किया है, मेडिकल डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, सभी लोगों ने बहुत प्रयत्न किया है, बहुत पैसा इसमें जा रहा है तभी आपको अवेलेबल हो पाई है, तो प्लीज इसको प्रयास को सराहें और अपना फायदा है आपका इसमें, प्लीज जरूर लगवा लें इसको। दैट्स व्हाट आई वांट। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। KGMU 89.6 FM।